الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العلي العظيم। जो संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, वो संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राह हक के रह रो है मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी है, या बज़्म में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम और बुज़ुर्गान दीन, मज़हब इस्लाम एक फितरी मज़हब है और आज़ादी इंसान की फितरत में दाखिल है। इस्लाम से कबल दुनिया के अंदर सिर्फ दो गिरोह थे। एक वो तबका था जो अपने आप को ऊंचा समझा करते थे, जो अपने आप के सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे, हर पोजीशन इनको हासिल थी, ये मुस्तहकम थे मजबूत थे। और दूसरे की मिसाल ऐसी ही थी जैसे एक मामूली किस्म के इंसान की हुआ करती, जो ना तो कस्बे मुआश के अंदर हिस्सा ले सकता था और ना ही किसी बड़े ओहदे के तलबगार होता था, क्योंकि ये जो तबका था ये दूसरे को अपने से आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। और जो दूसरा तबका था वो गरचे तादाद में ज़्यादा थी लेकिन कमज़ोरी और बेहिसी की वजह से उनके अंदर मज़लूमियत थी, आज़ादाना कोई ख़्याल भी नहीं गुज़रता था, हर चीज़ के एतबार से वो आज़ाद नहीं थी, बल्कि कमाई के लिए भी बड़ों से इजाज़त लेने की ज़रूरत पेश आती थी। चुनांचे ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को इस दुनिया में पैदा फरमाया और मबऊस फरमाया, जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर इरशाद है, वयदउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, कि नबी पाक अलैहिस्सलात व तस्लीम का काम उनसे बोझ और तोक को हटाना था जो इनके ऊपर पहले से पड़ा हुआ था। जो मज़लूमियत इनके ऊपर छाई हुई थी उस मज़लूमियत से इनको निकालना था, जालिम के हाथ को जुल्म से रोकना था। और वो जो इनके दिमाग के अंदर था कि हमारे आगे दूसरे आगे नहीं बढ़ सकते, हम हैं तो सब है, इसको मिटाना था। चुनांचे मज़हब इस्लाम के अंदर सबसे मेन चीज़ इंसान के अंदर अगर देखी जाए तो वो उसकी जान है, कि अगर जान ही आज़ाद ना हो तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता, कि जब चाहे कोई आकर मार जाए, जब चाहे कोई आकर इंसान की जान ले ले तो फिर इंसान की ऐसी ज़िंदगी कोई काम की नहीं होती। कि बाहर निकले तो जान का खदशा, किसी माहौल के अंदर किसी मीटिंग के अंदर बैठ जाए तो अपने आप के मरने का इम्कान, मौत सामने नाचती हुई नज़र आ रही हो तो ऐसी मौत, ऐसे जीने से बेहतर मरना ही होता है। तो कुरान करीम के अंदर सबसे पहले जान की हिफाजत के बारे में इरशाद फरमाया, मन कतल नफ्सन बग़ैर नफ्स او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا, कि अगर किसी इंसान ने ना हक किसी इंसान को मार दिया या ज़मीन के अंदर फसाद बरपा कर रहे हो तो यह ऐसा ही है गोया कि उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को मारा है। फिर इंसान की जान की हिफाजत के बाद बारी आती है उसकी कमाई की, कि इंसान कमावे और उसको अपने आप के ऊपर तसर्रुफ़ का हक़ भी हो, अपने अहलो आयाल के पालने का हक़ भी हो,
ऐसा ना हो कि उसकी कमाई के ऊपर कोई हमला कर जाए, ऐसा ना हो कि उसकी रोज़ी के ऊपर कोई लात मार दे, ऐसा ना हो कि उसके कारोबार को कोई ठप कर जाए, ऐसा ना हो कि कोई लुटेरा आकर उनके कारोबार को पूरा लूट कर चला जाए। तो इसके बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, कि औरतों के उनके मर्दों के लिए वो कमाई है जो इन्होंने कमाया है। अगर वो कमा रहे हैं तो उनकी पूरी कमाई इन्हीं के लिए है, और अगर औरत कमाने वाली है वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, तो उनका हिस्सा है उस माल में जो उन्होंने कमाया है। कोई दूसरा इस माल को छीने नहीं, कोई दूसरा इनके माल को हड़प न कर जाए। बहर कैफ मजहब इस्लाम ने हर एतबार से इंसान को आज़ाद रखा है, जान के एतबार से भी आज़ाद रखा है, कमाई के एतबार से भी आज़ाद रखा है, कि इंसान हलाल माल कमाए और अपने आप पर खर्च करे, अपने अहल आयाल के ऊपर खर्च करे, जहाँ खर्च करना चाहे वहाँ खर्च कर सकता है, लेकिन फजूल खर्ची, क्योंकि फजूल खर्ची इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश्शयातीन, के फजूल खर्च करने वाले ये शयातीन के भाई होते हैं, ये उन लोगों का काम है, एक मुसलमान के काम नहीं है। बहर कैफ मज़हब इस्लाम ने सिर्फ जान और माल के एतबार से आज़ादी अता नहीं की, बल्कि इजहार ख्याल की भी आज़ादी अता फरमाई, कि इंसान जो चाहे सोच सकता है और जो चाहे अपनी ज़बान से बोल सकता है, चाहे वो वक्त का बड़ा आदमी ही क्यों ना हो। हम सीरत उठाकर देख लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी ग़ज़वे उहुद के सिलसिले में कि बाहर चलकर लड़ना चाहिए, अंदर रहकर लड़ना चाहिए। सहाबा किराम से जब राय ली गई तो जो नौजवान सहाबी थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर जाकर लड़ेंगे। तो इजहार राय का इख्तियार दिया गया था कि अपनी राय को जाहिर करो, तुम आज़ाद हो। और फिर बहर कैफ आखिर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलात व तस्लीम ने उन्हीं की राय को इख्तियार किया। गज़वे बद्र का मौका ले लीजिए, जो असीरान बदर थे, बदर के कैदी थे, उसके बारे में सरकार दो आलम ने राय पूछी, तो हर सहाबी ने अपने एतबार से राय को पेश किया, क्योंकि राय देने के एतबार से आज़ाद थे, बोलने की ताकत थी। किसी ने कहा कि इनको हज़रत उमर इब्न खत्ताब का ये फैसला था, ये राय थी कि इनको कत्ल किया जाए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे सहाबे किराम की ये राय थी कि फ़िदिया लेकर इनको आज़ाद कर दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिल भी इसी तरफ मायल था, चूँकि तंगदस्ती थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर और उन जैसों की राय के ऊपर अमल किया और हुक्म जारी कर दिया कि फ़िदिया देकर आज़ाद हो जाए। घर वाले आए और फ़िदिया देकर छुड़ा कर लेकर गए। ये एक राय के देने के एतबार से आज़ादाना तसव्वुर मज़हब इस्लाम ने दिया। यही नहीं, वक्त का खलीफा है जिसको हम हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से जानते हैं, कैसे ज़बरदस्त बादशाह गुजरे, कैसे ज़बरदस्त खलीफा गुजरे हैं, कि जिनके नाम को सुनकर कुफ्रिस्तान के अंदर लर्जा बरंदानी तारी हो जाया करते थे, जिसके नाम को सुनकर शैतान भी रास्ता बदल दिया करता था। ऐसा वक्त का खलीफा जब मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहा होता है, एक सहाबी खड़े होकर इरशाद करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम आपकी बात उस वक्त तक के नहीं मानेंगे जब तक आप हमारी बात का जवाब न दे दें, उस वक्त तक हम आपकी बात पर अमल भी नहीं करें। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा कि बताओ क्या बात है। कहा कि जो फ़िदिये के अंदर जो माल गनीमत के तौर पर हमें कपड़ा मिला था, वो इतना नहीं था कि किसी एक आदमी का पूरा कपड़ा तैयार हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप मिंबर के ऊपर है और आपके जिस्म के ऊपर वही कपड़ा है जो हमें भी मिला था और आपको भी मिला था, लेकिन आपके पूरे बदन को ढांपे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, आप इसका जवाब दें। जब तक कि हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा, उस वक्त तक कि हम आपकी किसी बात के ऊपर अमल नहीं करेंगे। अब ज़रा तसव्वुर तो करो, वक्त का खलीफा है, लेकिन एक सहाबी बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर नकीर कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं।
लेकिन वो वक्त का खलीफा भी खलीफा था। ना कोई गुस्सा है, ना तुरशरूई है, बल्कि अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बेटे आप खड़े होकर इन्हें जवाब दे दीजिए। वो खड़े होकर जवाब देते हैं कि मेरे अब्बू को भी हिस्सा मिला था और मुझे भी हिस्सा मिला था। एक का हिस्सा इतना नहीं था कि उसके पूरे जिस्म के लिए काफ़ी हो जाए, तो मैंने अपना हिस्सा भी अपने वालिद को दे दिया। तब जाकर उनका कहीं पूरा लिबास तैयार हुआ है। इसी तरह एक मरतबा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक बुढ़िया औरत उमर इब्न ख़त्ताब का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि उमर, तुझे पता है कि जब तू उक्काज बाज़ार के अंदर रहा करता था तो तुझे उमर कहा करते थे, फिर एक वक्त आया कि तुझे उमर कहने लगे, फिर एक वक्त वो आया जो आज का वक्त है कि तुझे अमीरुल मोमिनीन कहते। ज़रा तसव्वुर तो करो कैसे आज़ादाना ख्याल थे। मज़हब इस्लाम ने हर वसअत के एतबार से आज़ादी का तसव्वुर दिया है और यही तसव्वुर हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर भी था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस शहर को, जिस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ के नापाक कदम इस सरज़मीन के अंदर आए, तिजारती एतबार से उन्होंने पोजीशन हासिल की और तिजारत के अंदर बढ़ते हुए चले गए, लेकिन उनका असल मकसद तिजारत करना नहीं था, बल्कि असल मकसद तिजारत के पर्दे के अंदर रहकर इस मुल्क के ऊपर काबिज होना था। और धीरे धीरे वो इस काम के अंदर और अपनी मुहिम के अंदर कामयाब से कामयाब तर होते हुए गए। लेकिन अजीब बात है कि आज जब किसी के सामने जंग आज़ादी की बात आती है कि जंग आज़ादी का आगाज़ कब से हुआ, तो फौरन ज़हन जाता है 1857 की तरफ। ये एक गलत तसव्वुर है, ये एक ऐसा तसव्वुर दे दिया गया कि 1857 को याद करके उससे पहले की जो जंगें हैं वो सारी भूल जाए, क्योंकि उससे पहले की जो 100 साल जंग है जिसको सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी, उसके ऊपर पर्दा डालना है। इसलिए मेरे अजीज़ों, याद रखना, हमारी जंग की इब्तिदा, जंग आज़ादी की इब्तिदा 1857 से नहीं हुई, बल्कि 1857 से पहले 1757 के अंदर सिराजुद्दौला सबसे पहले अंग्रेज़ के पीछे लगे और सबसे पहले इन्होंने भांप लिया था कि यही वो कौम है जो हमारे मुल्क को अपने कब्ज़े के अंदर लेना चाहती है। लेकिन अफसोस, इस घर को आग लगी है, घर के चिराग से मारे आस्तीन होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं जो साथ में रह कर भी दुश्मन बनकर जीते हैं और कहीं ना कहीं अपना जहर उगल दिया करते हैं। अमीरुद्दौला वक्त का बादशाह रहा है, बंगाल के अंदर पोजीशन हासिल थी, लेकिन जब इसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कदम उठाए तो इनका वज़ीर मीर जाफर ही ने इसके साथ गद्दारी की, वरना तो उसी वक्त अंग्रेज़ दुम दबा कर भाग जाता। मीर जाफर ने गद्दारी इस वजह से की थी कि उसके सामने इनामात की बारिश हो रही थी, बंगाल का इनको वज़ीर बनाया जा, बंगाल का इनकी ज़िम्मेदारी के अंदर दिया जा रहा था, तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि हुकूमत मिल रही थी। मीर जाफर ने गद्दारी की और गद्दारी के सिले के अंदर अंग्रेज़ों ने इन्हें बंगाल का बड़ा भी बना दिया। लेकिन ये मारे आसिन ज़्यादा देर तक के टिकते नहीं। इनका ही दामाद मीर कासिम ने इसको मारकर तख्त हासिल किया और फिर चूँकि यह अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको भी टिकने नहीं दिया और चंद सालों के अंदर उसका वहाँ से नाम मिटा तो फिर बंगाल और बिहार ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े के अंदर चला गया। ये जंग उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब इन लोगों ने जंग का आगाज़ कर दिया था। फिर इसके बाद हैदर अली, टीपू सुल्तान के वालिद महतरम, ये आगे आए। फिर इसके बाद इनकी वफ़ात के बाद शेर मैसूर टीपू सुल्तान आ गए।
ये सारा सिलसिला जो है 1857 से पहले का है। 1857 आज हमें दे दिया गया, जिसके नतीजे के अंदर हमने पूरे पिछले 100 साल की तारीख को फरामोश कर दिया। हालांकि जंग आज़ादी से 200 साल तक के जंग आज़ादी के लिए लड़ा गया है, और इसके अंदर जितना खून उलमा और मुसलमानों का बहाए, गैर मुस्लिमों का उतना पसीना भी नहीं बहा। हम नहीं कहते बल्कि इनके मौरखीन कहते हैं, उठाइए थॉमसन की तारीख उठाकर देख लीजिए। थॉमसन खुद कहता है कि इतने उलमा को सूली के ऊपर लटकाया गया कि हम खुद परेशान थे। बाहर कैफ, ये 100 साल की जंग आज़ादी उसी वक्त इस जंग को लड़ने के लिए, आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे अकाबरीन ने बड़ी मेहनतें की। फिर जब 1857 आया तो उस वक्त तक के शाह बहादुर जफर अली दिल्ली का ये राजा था, और उस वक्त इस जानिब मुसलमानों की तरफ थाना भवन के अंदर मीटिंग हुई। उससे पहले भी काफ़ी मीटिंगें हुआ करती थी, लेकिन चूंकि हर जगह के ऊपर नाकामी कदम चुमा करती थी, नाकामियां भी हुआ करती थी। थाना भवन के अंदर बहुत सारे उलमा को और मुसलमानों को जोड़ा गया, और फिर उसके अंदर मीटिंग ली गई। वहीं पर एक शेख मौजूद थे जिनको आज हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा के नाम से हम जानते हैं, मौलाना कासिम नानोतवी वगैरह इन सब के मुरीद, इनके मुरीद रहे हैं। तो हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की अपनी मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, लोगों ने आपको अमीर मुंतखब किया। आपका पहला हुक्म ये जारी हुआ कि थाना भवन आज से इस्लामी हुकूमत, यहाँ पर अब इस्लामी हुकूमत चलेगी, अंग्रेज़ों का हाथ यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। और जितने भी अंग्रेज़ किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सारों को शहर से बेवतन किया गया। थाना भवन एक कबीला है, एक छोटा सा कुंभ आज भी मौजूद है। तो वहाँ पर सबसे पहले इस्लामी हुकूमत का नारा लगाया गया और इस्लामी निज़ाम को कायम किया गया। और फिर अब किस तरह अंग्रेज़ों को पूरे मुल्क से भगाना है, उसके लिए मीटिंग और प्रोग्राम होने लगे। इससे कबल सबसे पहले जिनका नाम मशहूर है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जारी किया था, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा। बड़ी दास्तान है जंग आज़ादी की कि इनसे पहले भी बहुत सारे उलमा ने फतवे का इजहार किया था और दारुल हर्ब का ऐलान आम जारी कर दिया था, लेकिन चूँकि उनके फतवे को इतनी तरजीहात हासिल नहीं हुई जितनी शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के फतवे को हासिल हुई। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको इतना तंग कर दिया कि उनकी बिनाई भी जाती रही, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हाथ पीछे नहीं किया, बल्कि इन्होंने दो आदमियों को तैयार किया। एक शेख अहमद हुसैन, शेख अहमद शहीद अलैहि रहमा ये थे, और हाफिज़ ज़ामिन ये सब बात के आने वाली शख्सियत है। शेख अहमद शहीद अलैहि रहमा को बड़ा माना गया, और एक के बड़े ये रहे और एक के बड़े उनको बनाए गए। इनका काम ये था कि पूरे हिंद का दौरा करना है। ज़रा तसव्वुर करो, एक कौम तैयार की गई कि पूरे मुल्क का तुम्हें जायज़ा लेना है, और सिर्फ मुल्क का भी नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जाना है, ताकि वहाँ जाकर तुम कुछ मदद हासिल कर सको, चाहे माली एतबार से हो या जिस्मानी एतबार से। शेख अहमद शहीद अलैहि रहमा और शाह इस्माइल शहीद अलैहि रहमा, ये दोनों और भी कई उलमा साथ हुए और 70,000 मील का फासला तय किया, दौरा किया, और सारों के जहन के अंदर ये तसव्वुर बिठाया गया कि अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें बरसरे आम आना है, इनके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, इनके हाथों में हाथ नहीं देना। इसी सिलसिले के अंदर शेख अहमद शहीद अलैहि रहमा मक्के मुकर्रमा भी गए थे, वहाँ से मदद हासिल कर रहे थे।
बाहर कैफ। ये सिलसिला जारी वो सारी रहा और फिर बात आई हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत तक, तो इन्होंने भी अपने अकाबिरीन के सिलसिले को दराज किया और इन्होंने भी कहा कि अब हमने जिहाद करना है, अब हमें इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। अभी मीटिंग हुई चंद दिन हुए कि इनके कानों के अंदर आवाज़ आई कि नौजवान अंग्रेज़ अपने तोप खाने को लेकर, तोप वगैरह के सामान को लेकर यहाँ से गुज़रने वाले हैं, यहाँ से गुज़रने वाले हैं। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा ने कहा कि रात का वक्त जब ये गुज़रेंगे यहाँ से थाना भवन से, तो इनके ऊपर हमला कर दो और इनके सारे जंगी औजार अपने कब्ज़े के अंदर ले लो। और इनके लिए दो आदमियों को मुंतखब किया कि आप दोनों की सरबराही के अंदर, रहबरी के अंदर यह हमला होने वाला है, आप शहर से निकल जाओ, थाना भवन से निकल जाओ और बाहर जाकर कहीं कमीनगाह बनाओ, कहीं छुप जाओ। ये दोनों निकले और भी इनके साथ कई लोग थे, ये दोनों तो बड़े थे। ये दोनों हजरात गए और एक बाग के अंदर छुपे रहे। रात के वक्त जब थाना भवन से ये कौम गुजरी तो इन्होंने अचानक हमले का इशारा किया और अचानक हमला हुआ, कई लोग मारे गए और कई लोग डर की वजह से वो तोप खाने का जितना भी सामान था सारा छोड़कर भाग गए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा ने के हुक्म से वो सारा सामान लेकर आए, मस्जिद के सामने लाया गया, फिर कहा गया कि अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें आगे बढ़ना है। उस वक्त एक मुल्क था, एक कस्बा था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हुकूमतें कायम कर रखी, नाम जहन से निकल गए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा ने कहा कि अब उनकी कमीनगाह के ऊपर हमला करना है, उनके उस कैंप के ऊपर हमला करना है जिन्होंने अपना दारुल हुकूमा बना रखा है। सारे लोग तैयार होकर पहुंचे लेकिन वो बड़ा मजबूत था। एक दिन के जैसे ही उनको पता चला कि मुसलमान हमले के लिए आ रहे हैं तो गेट वगैरह सब बंद कर लिए। इसके अंदर हाफिज जामिन शहीद अलैहि रहमा और मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा ये सारे मौजूद थे। लेकिन जब देखा गया कि कमीनगाह के अंदर ये लोग छुप चुके हैं, अपने कैंप के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तो उस वक्त बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि हाफिज जामिन शहीद अलैहि रहमा ने हिम्मत करके उनके दरवाजे तक के पहुंचने की कोशिश की और जाकर उसको जलाना शुरू किया। और जैसे ही वो जलना शुरू हुआ मुसलमानों ने उस जलती हुई आग के ऊपर से कूद कर अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया, लेकिन बड़ी बाहरी जंग हो पड़ी, कई लोग मुसलमानों के शहीद हुए, हाफिज जामिन शहीद अलैहि रहमा भी उसी वक्त शहीद हुए। लेकिन आखिर के अंदर इनको, मुसलमानों को वहाँ पर कामयाबी हासिल हुई और वो लोग अंग्रेज़ लोग वहाँ से छोड़कर भागे। लेकिन क्या पता था कि जंग ये लड़ाई हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। इधर ये लड़ाई कर रहे थे और उधर अंग्रेज़ लोग दिल्ली के अंदर कदम रख चुके थे और दिल्ली के लाल किले के अंदर इनका कदम पड़ा, उनका वहाँ पर कदम पड़ना गोया के शहनशाहियत उनके कब्ज़े में चली गई, बादशाह जफर को शहीद किया गया और फिर बादशाहत इनके कदमों के अंदर आ पड़ी। और इसके नतीजे के अंदर जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को मारा था, अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी। थाना भवन के अंदर हमले किए गए और थाना भवन की ईंट से ईंट बजा दी गई, उसको बंद कर दिया गया, जितने भी वहाँ पर मुसलमान बसते थे हर एक को मार दिया गया, बस बचा वही जो वहाँ से फरार हो गया। जब 2 साल के बाद मलका विक्टोरिया ने आम ऐलान नामा जारी किया तो उस वक्त जब अंदर जाकर देखा तो उस वक्त भी 132 लाशें लटक रही थी, 132 लाशें लटक रही थी। और इधर दिल्ली के अंदर शेखुल हिंद अलैहि रहमा, शेख हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा, हज़रत मौलाना अहमदुल्ला गुजराती अलैहि रहमा, इन सारों को मारा गया, इन सारों के ऊपर जुल्म सितम ढाए गए।
दिल्ली से लेकर पिशावर तक के जितने बड़े दरख्त थे, हर दरख्त के ऊपर मुसलमानों को सूली पे लटकाया गया था। ये कोई मामूली की नहीं, दिल्ली से लेकर पिशावर तक। मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी अलैहि रहमान ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि इस जंग के आज़ादी के अंदर 3 सालों के अंदर 14,000 उलमा को शहीद किया गया। 14,000 उलमा। शेखुल हिंद अलैहि रहमान को माल्टा की जेल के अंदर कैद बंद कर दिया गया। मौलाना महमूद देवबंदी अलैहि रहमान, जिनको शेखुल हिंद कहा जाता है, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी अलैहि रहमान, जिनका लकब शेखुल हिंद बना, असीरान माल्टा के अंदर थे। शेख हुसैन अहमद मदनी भी इनके साथ थे और भी कई लोग इनके साथ थे, मौलाना गुल साहब भी इनके साथ थे। लेकिन जब शेखुल हिंद अली रहमा को तकालीफ का सामना करना पड़ता तो इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाया करते। इतनी तकलीफ दी जाती थी कि रात को सो नहीं सकते थे, दिन के अंदर नींद का नामो निशान नहीं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी सामने हो गए और कहने लगे कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप सिर्फ इनसे इतना कह दीजिए कि हम इस तहरीक के अंदर शरीक नहीं रहे या हमें आज़ाद कर देंगे, आप इतनी तकालीफ क्यों बर्दाश्त करते हो। शेखुल हिंद अलैहि रहमा इसका जवाब नहीं देते, बल्कि तकालीफ का सामना करते रहते थे। एक मरतबा हद हो गई, तकलीफ इतनी कि हज़रत की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। शेख हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा आ गए और कहने लगे कि अब इमाम मोहम्मद ने तो किताबुल हियल लिख दी है कि तदाबीर किस तरह करनी है, हीले किस तरह बतलानी है, तो आप कोई हीला करके यहाँ से रुख्सत कर लीजिए। उस वक्त शेख हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि हज़रत के चेहरे के ऊपर जो गुस्से के आसार नुमाया हुए कि हमारे जिस्म के अंदर लर्ज़ बरंदामी तारी हो गई, कपकपी तारी हो गई, और फिर घूर कर हमें देख कर कहा कि हुसैन अहमद तुम क्या समझते हो, मैं तो रूहानी बेटा हूँ हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, मैं रूहानी बेटा हूँ हज़रत बिलाल हबशी का, जिनको तपते हुए धूप के अंदर लेटाया जाता था और इनको घसीटा जाया करता था, मैं तो रूहानी बेटा हूँ हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनको सूली दी गई थी, जिनको मक्का की सरजमीन के अंदर सूली दी गई थी, मैं तो रूहानी बेटा हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल का, जिनको इतने कोड़े मारे गए कि अगर किसी हाथी को मारे जाते तो वो भी बिलबिला उठता था, मैं तो रूहानी बेटा हूँ सहाबे किराम का, तो मैं क्या इनके हाथों के ऊपर हाथ दे दूँ, मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं ईमान वालों की फहरिस्त में से अपना नाम मिटाना नहीं चाहता। अंग्रेज़ यहाँ तक के कह उठे थे कि तुम सिर्फ इतना कह दो कि इस तहरीक के अंदर हम शरीक नहीं थे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो हज़रत ने कहा तुम्हारी फहरिस्त से नाम कटवा कर मैं अल्लाह की, मैं तुम्हारा जहन्नमियों की फहरिस्त के अंदर अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, गद्दारों की फहरिस्त के अंदर अपना नाम नहीं लिखाना चाहता। मौलाना अहमदुल्ला, जब इनके इंतकाल का वक्त हुआ शेखुल हिंद का, इनके एक मुरीद थे हकीम अजमल साहब, उनके पास इलाज के लिए गए हुए थे। जब इंतकाल हो गया, गुसल देने की बारी आई, गुसल देने वाले हाजिर हुए, जब कपड़े उतारे गए तो पीठ के ऊपर ऐसे निशान देखे गए कि गुसल देने वाले भी थर्रा उठे। घर वालों से पूछा कि मामला क्या है, ऐसे निशान तो हमने किसी पीठ के ऊपर आज तक नहीं देखे, तो घर वालों ने भी लाइल्मी का इजहार किया, कहा कि वो हुसैन अहमद को पता होगा। उस वक्त शेखुल अरबी वल आजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा कलकत्ता के अंदर मौजूद थे, उनको इत्तला दी गई कि आपके उस्ताद मुहतरम का इंतकाल हो गया है। फौरन मंजिल मकसूद के ऊपर पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, जाकर देखते हैं तो लोग पहला सवाल कि इनके जिस्म के अंदर इनके जिस्म के ऊपर ये दाग और धब्बे कैसे हैं। तो उस वक्त शेख हुसैन अहमद मदनी की आंखों के अंदर आंसू आ गए कि उस्ताद मोहतरम का ये हुक्म था कि उनकी हयात के अंदर किसी को बताने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वो जा चुके, अब बताता हूँ। जब माल्टा के अंदर हजरत को कैद किया गया था तो उस वक्त इनको किस्म की तकालीफ दी जाती थी। एक किस्म की तकलीफ ये भी थी,
कि आग जलाई जाती थी और उस आग के अंदर हज़रत को डाल दिया जाता था। हज़रत के खून से और उनके निकलने वाली चर्बी से वो आग ठंडी हो जाया करती थी। ये सारे उसी के निशानात थे। कभी लोहे की सलाखों से मारा जाता था, ये सारे उसी के निशानात थे। तो हमारे अकाबरीन ने इस जंग आज़ादी के लिए अपनी जानों तक के दे दिए। मौलाना अहमदुल्ला गुजराती अलैहि रहमा जब इनको सरदार सूली देने लगे, सर आम सूली के ऊपर लटकाया जाने लगा, तो एक अंग्रेज़ आकर कहता है कि अहमदुल्ला मैंने आपसे कुछ अरबी सीखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सूली ना दी जाए, सिर्फ आप एक जुमला कह दीजिए, सिर्फ आप एक जुमला कह दीजिए, यहाँ से हटाना बाकी मेरा काम होगा। कहा कि क्या है? कहा कि इतना कह दो कि तहरीक आज़ादी के अंदर मेरा कोई हिस्सा नहीं। हजरत ने कहा कि यह कबूल नहीं, जान तो जा सकती है लेकिन ये कहना काबिल कबूल नहीं। बाहर कैफ असीरा ने माल्टा, हजरत मौलाना जाफर खाने सरी अलैहि रहमा, इन्होंने काला पानी एक नामी किताब लिखी है, ज़रा इसका मुताला करके तो देखो। वो खुद लिखते हैं कि जब लाहौर में थे, जब दिल्ली के अंदर से लाहौर हमें भेजा गया, बहुत सारे उलमा हमारे साथ थे। वक्त काफ़ी हो चुका है, वक्त मुकर्रा ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे अज़ीज़ो बस आखिर में दरख्वास्त ये कि इस जंग के लिए हमारे उलमा ने अपना लहू दिया है, लहू से इस मुल्क को सींचा है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क को मुल्क बनाएं। अगर आज भी हमारा हौसला यही होगा कि इस मुल्क को अगर आज भी हमारे खून की ज़रूरत पड़ी तो हम खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इसके लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आज़ादी का तसव्वुर हमारे उलमा ने ख्याल किया था, वही तसव्वुर वही आज़ादी आज हमें इस मुल्क में चाहिए। वरना तो किसी ने कहा था अंजाम आज़ादी क्या, कहिए बर्बादी ही बर्बादी। मुल्क आज़ाद होने के बाद मुसलमानों के अहकाम के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दी गई, मुसलमानों के हकूक़ को पामाल किया जाने लगा। आज वो सेकुलर मुल्क जो सेकुलर मुल्क को कहलाया जाता था, आज निहत्ते मुसलमान को जब अकेला देखा जाता है तो मार दिया जाता है। क्या यही सेकुलर मुल्क? नहीं, ये तसव्वुर हमारे उलमा ने नहीं दिया था, बल्कि ये तसव्वुर दिया था कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान और हिंदुस्तान बराबर के रहेंगे। जितना हक हिंदू का है उतना ही हक मुसलमानों का है, जितना हक पंजाबियों का है उतना हक दलितों का भी। ये तसव्वुर दिया था, इसी तसव्वुर को लेकर हमें इस मुल्क के अंदर जीना है। इसी खाक से हम पैदा हुए हैं और इसी खाक में हम खाक मिलाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन को ताज़ा करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें अपनी दास्तान याद करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।